दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी भरमास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह yeah, मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस चार सौ से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा की बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि bermas का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कला द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद पुस्तक तो अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49% नाइन परसेंट रोटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 49% नाइन परसेंट टोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दसवीं ऐसी फाइव पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों को तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करे इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स से चार सौ से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव ना, नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिश्चेटी नामक एक कला द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के प्लस पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49% नाइन परसेंट रोटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 49 नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो दस में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करे इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट तीन से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वनवास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कला कार द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन मुझे इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुई आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुवी आपको के ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी भ्रमास्तल मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49% नाइन परसेंट रोटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 49% नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो दस में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी ऐसी परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों को दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करे तो इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार ब... द्वारा बर्मासथ के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कला द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन मुझे इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह आपको ओटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी भरमास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कर चाहिए बात करें इस मोई की आई रीडिंग तो की तो दसवीं से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिश्चेटी नामक एक कला कर द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय चाहिए बात करें इस मुई की आई रीडिंग की तो 10 में फाइव 5.6 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दसवीं ऐसी फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों को तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्म शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में शिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है सीवा उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव ना, नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिश्चेटी नामक एक कला कर द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी भ्रमास्त मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी स्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 49 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दस में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दसवीं ऐसी फाइव पॉइंट की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 71 परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको 71 वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी इसा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांस के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कलाक कर द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मुई से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुई से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रमास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की ने नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रॉय आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें तो इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्म शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं। जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईसा शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांस के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वनवास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कलाक कर द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मुई से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुई से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा अगर हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुई आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस ओटी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 49% नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दसवीं ऐसी फाइव पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दसवीं से 5.6 की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल की तरफ से इस मूवी को सेवन पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको 71 वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की ने नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया बट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों तो आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं। जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी इसा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांस के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कलाक कर द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुहि आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार इस को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिजनी प्लस होटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी भरमास्त्र। इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस जरूर, जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवनटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर, जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं। जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांस के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिशेटी नामक एक कला कर द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस होटी स्टार के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद पुस्तक तो अगर आप भ्रमास्त मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन कौनसी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए हाँ दोस्तों यह काफी भी लगने वाली तो इस, इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 49% परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से फाइव की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों को तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की ने नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्म शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं। जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईसा शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है सीवा उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांस के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिशेटी नामक एक कला सरकार द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों हुआ, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों तो इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 49 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो दस में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को, देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं। जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी इसा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव ना, नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिशेटी नामक एक कला द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मुझ से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस के OTT पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी भरमास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय चाहिए बात करें इस मुई की आई रीडिंग की तो दस में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी ऐसी परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों को तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है सीवा उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा बर्मास के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वनवास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कलाक कर द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से, जरूर से एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस के प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है कर दो हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी मुझे परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मुई की आई रीडिंग की तो दस में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रेटिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्म शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईसा शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है सीवा उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने मोहन ने खुलासा किया कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिशेटी नामक एक कला कर द्वारा संरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी मुझे परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय चाहिए बात करें इस मुई की आई रीडिंग की तो दस में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी ऐसी परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों को तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की ने नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया मोनी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी इसा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है सीवा उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने, ने खुलासा किया कि बरमास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिश नामक एक कलाकार द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय तो कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको तो आए दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस इस प्रकार इस को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा जरूर जरूर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी ओटी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद ब्रह्मास्त्र तो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी स्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को फोर्टी परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दसवीं ऐसी फाइव पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दसवीं ऐसी फाइव पॉइंट की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको तो एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईसा शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने, ने खुलासा किया कि बरमास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिश शेट्टी नामक एक कलाकार द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मुहि आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस, प्रकार इस मुई को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मुई से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुई से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा जरूर जरूर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद ब्रह्मास्त्र तो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई मूवी मूवी इस को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मुर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नेनी नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने, देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में शिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईसा शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है सीवा उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने, ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कलाक सरकार द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मुझी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के ओटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस ओटी के OTT पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अन मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयन मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस जरूर जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 5.6 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 5.6 की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवन पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों को तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की ने नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा भी शिवा के प्रति भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कलाक द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के ओटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस ओटी के OTT पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी भ्रमास्त मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फेंटेसी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अन मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयन मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग तो की तो 10 में फाइव पॉइंट सिक्स की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिशेटी नामक एक कला द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको के ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस होट स्टार के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भरमाशन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी र आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फेंटेसी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायट किया अन मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मुवी को डायट किया अन मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मुर्टी नाइन परसेंट रोटो टमा की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 49% नाइन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दसवीं ऐसी फाइव पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 5.6 की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 71 परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको 71 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों को तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की ने नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर, जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईसा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है शिवा उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कलाक कर द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के ओटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस ओटी के OTT पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी भरमास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी रापको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फेंटेसी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मुई की आई रीडिंग तो की तो दसवीं से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों तो आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चार से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में शिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईसा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है सीवा उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कलाक द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT ओटी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस ओटी के OTT पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी ब्रह्मास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय चाहिए बात करें इस मोई की आई रीडिंग की तो दसवीं में फाइव 5.6 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों को तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की ने नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया भट्ट मोनी रोई आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस चार सौ से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों तो आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है शिवा उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान है और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वन, वनास्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव नाम नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्यटी नामक एक कलाक कर द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT ओटी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस ओटी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी भ्रमास्त मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी भरमास्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो, तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को 49 नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से, से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय चाहिए बात करें इस मुई की आई रीडिंग की तो दस में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी मुझ के मुख्य कलाकारों को तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स से चार सौ से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में शिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वनअस्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव ना, नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष नामक एक कलाक कर है। तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मुवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मुवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के ओटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को प्लस ओटी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी ब्रह्मास्त मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई एक्शन फंटेस्टी मूवी स्त्र इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अयान मुखर्जी ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों इस मूवी को नाइन रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को फोर्टी नाइन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो दस में से फाइव की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट सिक्स की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को सेवेंटी वन परसेंट पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है हाँ बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों को तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर अक्की नागा अर्जुन अमिताभ बच्चन आलिया आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा सैतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 375 से 400 करोड़ के बीच था इस मूवी ने बॉक्स से चार सौ से चार करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी तो प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ब्रह्मा शक्ति से टकराता है जिससे कई दिव्य हथियार बनते हैं जिसे अस्त्र कहा जाता है उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग स्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए करते हैं। और ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं जो दुनिया को अस्त्रों की शक्ति से बचाने के लिए गुप्त समाज है वर्तमान में मुंबई में सिवा एक डीजल लंदन में रहने वाली ईशा चटर्जी से पहली नजर से प्यार पार में पड़ जाता है जो उसके दादा के पांडल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है जल्दी ईशा भी शिवा के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करती है उसे बताते कि वह एक अनाथ जो अपने पिता को कभी नहीं जान पाया और वह बच्चा था जब तक माँ एक आग में जलकर मर गई है इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांस के सदस्य मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मांत के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है और जिसे वह सुरक्षित रखता है मोहन वनअस्त्र का उपयोग करने वाले वा, वापस लड़ता है लेकिन अंत में जुनून द्वारा वंश में लिया लिया कर लिया जाता है जो देव ना, नामक रहस्य में बुराई के लिए काम करता है जुनून के कब्जे में वश मुकुट का उपयोग कर रहा है मोहन ने खुलासा किया कि बर्मास का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिष्येट्टी नामक एक कलाक कार द्वारा सुरक्षित है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन मुझे इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज आए दिन देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी मुको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को फ्री में एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद